शिक्षा भर्ती घोटाले पर आया है आज बड़ा फैसला, और जो लोग सड़कों पर करीब दो साल से आंदोलन कर रहे थे वो हमारे साथ हैं। कितना लंबा आंदोलन चला? मोटा मोटी कत बचर है मैंने 19 तक पाँच बचर। कितने दिन से आंदोलन कर रही है? मैं भी 2019 से ही हूँ आंदोलन में, मेरा दो साल हुआ। मैं भी अभिजीत गांगुली सर के राय के हिसाब से ही जॉब मिला मुझे भी, मेरा करीबन दो साल होने को जा रहा है। पर अब तो बोल रहे हैं कि क्या होगा पता नहीं, इस बार तो बोल रहे हैं पैनल कैंसिल के लिए बोल रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है आगे में। तो आपको तो नौकरी मिल गई है सही तरीके से, पर क्या आपको भी दूर भेज दिया गया? मेरा भी दूर में भेजा है। मेरा भी सामने जो सब दिखाया था तो उसमें दिखाया गया कि मैनिपुलेशन हुआ था कुछ, पर हम लोगों का क्या होगा ये हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग तो एक बार राय मिला फिर क्या होगा हम लोगों का। कितना समय आंदोलन किया? हम लोग 7-8 साल से वंचित तो है, वंचना का शिकार तो हुए हैं हम, और लास्ट 3 इयर्स हम निशंसता की शिकार हुए हैं, क्योंकि हमारा धरना चल रहा था और ये धरना चलने के समय पर हम बहुत तरीकों से हम कोशिश किए गए हैं हमारी तरफ से गवर्नमेंट के पास पहुंचने के लिए, हम बताए गए हमारा जो मांग है उसके दाबी कर गया था, मगर गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया, इसलिए हम कोर्ट के द्वारस्थ हुआ है। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की निर्देशना में जो हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच किया गया है उसका जो राय आज जस्टिस बशक सर एंड सबर रशीदी सर ने डिवीजन बेंच ने दिया है वो राय में हम सदर्थक है। इस राय को हम खुश है जो इसी राय को सामने रख के जो इल्लीगल अपॉइंटेड कैंडिडेट है उनको निकाल के लीगल जो कैंडिडेट है उनके लिए नियोग के द्वार प्रशस्त हो जाएगा। आपने किस साल में परीक्षा दी थी? 2016 फर्स्ट SLST वही है। अब उम्मीद है नौकरी मिल जाएगी? हाँ उम्मीद तो रख रही है, हम उम्मीद कर रहे हैं गवर्नमेंट ये कोर्ट की जो राय है उसको मान्यता दे के जल्द से जल्द ये कार्रवाई शुरू करके हम लोगों को ये जो हम जो डिप्राइव हुए हैं इससे हमको निकाले और एक सुस्त स्वाभाविक जीवन दान करें।